गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द मैथ्स क्लास सो इन टूडेज मैथ्स लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव तो आज हम फाइव पॉइंट फाइव एक्सरसाइज शुरू करेंगे आई होप आपने टिल फाइव पॉइंट फोर एक्सरसाइज सारा अपना जो वर्क है वो कंप्लीट किया है सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल रीड अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट इज़ डिविजिबल बाय टू हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर है वो टू से डिविजिबल है या नहीं है मतलब वो टू के टेबल में आ रहा है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा अगर उस नंबर के पीछे कौन से डिजिट्स आ रहे हैं ज़ीरो टू फोर सिक्स एंड एट अगर जो नंबर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो डिविजिबल है टू से या नहीं है अगर उस नंबर के पीछे मतलब वंस प्लेस डिजिट उस नंबर की ज़ीरो टू फोर सिक्स या एट में से अगर कुछ है तो वो नंबर क्या होगा टू से डिविज़िबल होगा अदरवाइज नहीं होगा जैसे हमारे पास यहाँ फोर नंबर है ना वन थर्टी नाइन वन फोर्टी सिक्स टू हंड्रेड सेवन फोर्टी थ्री अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है देखो इस नंबर में इसकी वंस प्लेस डिजिट क्या है या फिर इसका एंड वाला नंबर क्या है नाइन और मैंने क्या बोला था एंड में क्या आना चाहिए जीरो टू फोर सिक्स या एट में से कोई नंबर इसका मतलब यहाँ नाइन है इनमें से कोई भी नंबर नहीं है तो ये नंबर क्या है टू से डिविजिबल नहीं है नेक्स्ट इज 146 146 का वंस प्लेस डिजिट या फिर एंड वाला डिजिट क्या है सिक्स इनमें से कोई नंबर है जीरो टू फोर सिक्स सिक्स है ना वन फोर सिक्स के एंड में सिक्स है इसका मतलब ये नंबर क्या है टू से डिविजिबल है वन फोर्टी सिक्स इज डिविजिबल बाय टू नेक्स्ट इज टू हंड्रेड टू हंड्रेड का वंस प्लेस डिजिट या एंड वाला डिजिट क्या है जीरो और मैंने आपको इस रूल में बताया ना कि एंड में अगर जीरो हो तो वो नंबर क्या होता है टू से डिविजिबल इसका मतलब टू हंड्रेड इज डिविजिबल बाय टू नाउ सेवन फोर्टी थ्री सेवन फोर्टी थ्री का वंस प्लेस डिजिट देखो क्या है थ्री एंड वाला डिजिट इसका थ्री है ना और इसमें थ्री है कहीं जीरो टू फोर सिक्स एट थ्री नहीं है ना कहीं भी इसका मतलब ये नंबर क्या है टू से डिविजिबल नहीं है टू से सिर्फ वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनके एंड में ज़ीरो टू फोर सिक्स एट होगा सो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू नाउ वी विल डू डिविजिबिलिटी बाय फाइव अब हम करेंगे कोई नंबर फाइव से डिविजिबल कब होगा अगर उस नंबर का वंस प्लेस डिजिट या फिर एंड वाला डिजिट ज़ीरो है या क्या है फाइव है अगर इन दोनों में से कोई भी डिजिट है एंड में तो वो नंबर क्या होगा फाइव से डिविजिबल होगा जैसे फिफ्टी है फिफ्टी के पीछे वाला नंबर वंस प्लेस डिजिट क्या है जीरो इसका मतलब ये नंबर क्या है फाइव से डिविजिबल है थ्री सिक्सटी फाइव है इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है फाइव आ रहा है जीरो या फाइव में से कुछ आना चाहिए ना एंड में तो वंस प्लेस डिजिट इसका फाइव है ना इसका मतलब थ्री सिक्सटी फाइव क्या है फाइव से डिविजिबल है देन थ्री सिक्सटी टू अब इसके एंड में क्या है टू है ना जीरो है ना फाइव है इसका मतलब ये नंबर फाइव से डिविजिबल नहीं है कोई भी नंबर फाइव से डिविजिबल कब होगा जब उसका वंस प्लेस डिजिट या तो जीरो होगा या फिर फाइव होगा सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव एंड लास्ट इज डिविजिबिलिटी बाय टेन अभी हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर टेन से डिविजिबल कब होगा तो कोई भी नंबर टेन से कब डिविजिबल होगा जब उसके एंड में कौन सा डिजिट आएगा जीरो इसके किसी भी नंबर के पीछे अगर ज़ीरो आ रहा है ना किसी भी नंबर का वंस प्लेस वाला जो डिजिट है अगर वो ज़ीरो है तो वो नंबर क्या होगा टेन से डिविजिबल होगा अदरवाइज अगर कोई और नंबर है तो डिविजिबल नहीं होगा जैसे थ्री हंड्रेड है थ्री हंड्रेड के पीछे जीरो आ रहा है इसका मतलब ये टेन के टेबल पे डिवाइड होगा और अगर टू सिक्सटी फाइव है अब इसके पीछे क्या है फाइव जीरो नहीं है ना इसका मतलब ये नंबर टेन पे डिविजिबल नहीं है हमारे पास थ्री सिक्सटी थ्री है इसके एंड में थ्री है जीरो नहीं है तो ये भी टेन पे डिविजिबल नहीं होगा और एग्जाम्पल्स चेक करते हैं जैसे फाइव हंड्रेड है फाइव हंड्रेड के पीछे क्या है जीरो है इसका मतलब ये क्या है डिविजिबल है बाय टेन सो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टेन अगर उसके एंड में ज़ीरो आ रहा है किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो है उसका वंस प्लेस डिजिट जीरो है तो वो नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय टेन सो आई होप आपको ये तीनों डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हैं सो एक्सरसाइज 5.5 के अंदर देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 300 एंड 350 फिफ्टी दैट आर डिविजिबल बाय फाइव आपको 300 और 350 के बीच वाले ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो फाइव से डिविजिबल होंगे फाइव से डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं जिनके पीछे या तो जीरो हो या फाइव हो तो इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे देखो थ्री के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आएगा बाद में थ्री के थ्री उसके बाद थ्री हंड्रेड टेन आता है फिर थ्री हंड्रेड फिफ्टीन आएगा फिर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी आएगा ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कि थ्री हंड्रेड और थ्री फिफ्टी के बीच में से कौन से नंबर्स हैं जो फाइव से डिविजिबल हैं सेकेंड इज फाइंड द नंबर डिविजिबल बाई टू एंड टेन पहले आपको नंबर्स पता करने हैं जो टू से और टेन से डिविजिबल है नीचे आपको नंबर्स दिए हैं ना इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो टू से डिविजिबल हैं कौन से हैं जो टेन से डिविजिबल है आउट ऑफ दीज विच नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ टू एंड टेन और इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं टू से भी होना चाहिए और टेन से भी होना चाहिए जैसे अभी टू से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे जिनके पीछे जीरो टू फोर सिक्स या एट होगा जैसे वन थर्टी टू का वन प्लेस डिजिट टू है ना इसका मतलब ये नंबर क्या है टू से डिविजिबल है इसके पीछे जीरो है तो ये भी टू से डिविजिबल है इसके पीछे फोर है तो ये भी टू से डिविजिबल है ऐसे आपको चेक करना है फिर टेन से कौन से डिविजिबल होंगे जिनके पीछे जीरो होगा जिन नंबर्स के पीछे जीरो होगा वो टेन से डिविजिबल होंगे ना तो 280 के पीछे जीरो है तो ये टेन से डिविजिबल है 100 के पीछे जीरो है तो ये टेन से डिविजिबल है 150 के पीछे जीरो है तो ये क्या है टेन से डिविजिबल अब ऐसे कौन से नंबर होंगे जो दोनों से डिविजिबल होंगे आपने दोनों नंबर्स निकाले हैं ना डिविजिबल बाय टू और डिविजिबल बाय टेन उनमें से जो कॉमन होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे ना वो ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों से ही डिविजिबल होंगे नाउ क्वेश्चन थ्री इज अ टीचर वॉन्ट्स वन जीरो सिक्स स्टूडेंट्स टू सेट इन कॉलम्स विद टेन स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम टीचर क्या चाहते हैं टीचर चाहती है कि क्लास uh, के अंदर जो वन हंड्रेड सिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको टेन कॉलम्स के अंदर बिठाया जाए विदाउट एनी स्टूडेंट बींग लेफ्ट आउट और कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए फ़ाइंड आउट बाई यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल वेदर इट इज़ पॉसिबल और नोट अभी देखो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वन हंड्रेड सिक्स स्टूडेंट्स उनको कितने तो हर एक कॉलम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हमने बिठाने हैं टेन स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम एक अगर एक हर एक कॉलम के अंदर टेन स्टूडेंट्स आएंगे तो क्या होगा वन हंड्रेड सिक्स स्टूडेंट्स हैं टेन टेन स्टूडेंट्स एक कॉलम में आने चाहिए तो स्टूडेंट्स बचेंगे ना देखो वन हंड्रेड है जो वो टेन से डिविजिबल है वो टेन से डिविजिबल नहीं है क्योंकि उसका जो वन प्लेस डिजिट है वो सिक्स है अगर वो जीरो होता फिर वो टेन से डिविजिबल होता ना फिर हम टेन टेन स्टूडेंट्स को हर एक कॉलम में अरेंज कर सकते थे अभी वन हंड्रेड सिक्स तो टेन से डिविजिबल है ही नहीं इसका मतलब हम वन हंड्रेड सिक्स स्टूडेंट्स को हर एक कॉलम के अंदर अगर हम टेन स्टूडेंट्स भी बिठाते हैं तो नहीं अरेंज कर सकते कुछ कितने स्टूडेंट्स एंड में बच जाएंगे सिक्स स्टूडेंट्स बच जाएंगे सो so, इसका आंसर क्या आएगा नो क्वेश्चन नंबर फोर इज रोहिणी वांट्स टू पेयर फोर्टी टू बलून्स विदाउट लीविंग एनी बलून अनपेयर्ड रोहिणी क्या करना चाहती है फोर्टी टू बलून्स को पेयर अप करना चाहती है और कोई भी बलून बचना नहीं चाहिए पेयर अप का मतलब वो पेयर्स बनाना चाहती है एक पेयर के अंदर कितने बलून्स आएंगे टू टू एक पेयर में टू टू होते हैं ना तो हर एक पेयर में टू बलून्स आने चाहिए और कोई बचना नहीं चाहिए फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स इफ़ शी कैन डू दैट आपको डिविजिबिलिटी रूल्स से चेक करना है कि क्या वो ऐसा कर सकती है अभी देखो बलून्स कितने हैं फोर्टी टू पेयर्स बनाने हैं ना मतलब टू टू को ग्रुपिंग करनी है तो 42 देखो 42 टू टू से डिविजिबल है ऑफ कोर्स है क्योंकि इसके एंड वाला डिजिट क्या है टू इसका मतलब अगर 42 टू टू से डिविजिबल है तो हमारे पेयर्स इजीली बन जाएंगे कोई भी बलून एंड में नहीं बचेगा सो द आंसर इज येस मतलब रोहिणी क्या कर सकती है बलून्स को पैरअप कर सकती है नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज अक्षय वॉन्ट्स टू पैक फिफ्टी बलून्स इक्वली इन टेन बैग्स विदाउट लीविंग एनी बॉल अक्षय क्या करना चाहता है फिफ्टी बॉल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है टेन बैग्स के अंदर और कोई भी बॉल बचनी नहीं चाहिए और डिवाइड कैसे करना है इक्वल डिवीज़न करना है मतलब इक्वली डिवाइड करना है बॉल्स को टेन बैग्स में फाइंड आउट विदाउट डिवाइडिंग इफ ही कैन पैक दम और आपको बताना है बिना डिवाइड किए क्या वो ऐसा कर सकता है देखो बॉल्स कितनी है फिफ्टी बैग्स कितनी है टेन तो क्या वो फिफ्टी बॉल्स को टेन बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है टेन बैग्स में डिवाइड कर सकता है चेक करो क्या फिफ्टी टेन से डिविजिबल है देखो फिफ्टी के एंड में जीरो है जीरो वंस प्लेस डिजिट अगर जीरो होता है हमारा तो क्या होता है नंबर टेन से डिविजिबल होता है ना इसका मतलब फिफ्टी को हम टेन बैग्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं सो द आंसर इज यस अक्षय क्या कर सकता है फिफ्टी बॉल्स को इक्वली टेन बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है So, I hope exercise 5.5 is clear. So, please complete this exercise on your fair notebook in neat handwriting. Thanks and have a great day.